आप सबका दिल से स्वागत। ये बिग बॉस की पार्टी का सेकेंड वीडियो चल रहा है। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो आप कल का वीडियो देख सकते हो। कल के वीडियो में और भी बहुत कुछ था। आज का जो वीडियो है ना, उसमें एक बहुत बड़ा हाईलाइट क्या है मालूम है? एक सीनियर कॉमेडी एक्टर है, उसने बिग बॉस शो को लेकर क्या कहा। अगर आपने वो वीडियो देखा भी होगा ना तो आज फिर से देखना, क्योंकि आज जनता ने जो गुस्सा किया है कॉमेडी अंदाज में उस एक्टर को, वो कॉमेडी एक्टर बिग बॉस शो को लेकर कहता है, अगर मैं बिग बॉस शो को कचरा बोलता हूँ ना तो ये कचरे का भी अपमान है। थोड़ी देर में आपको वीडियो दिखाता हूँ। आज के वीडियो के अंदर मुनावर, आयशा का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मनारा, अभिषेक, शाहरुख खान, मनोज वाजपेयी, कार्तिक आर्यन, तहलका, आशीष चंचलानी, मीनाक्षी शेषाद्री, साथ में स्टोरीज भी चलेगी। वो जो एंड में शाहरुख खान और मनोज वाजपेयी का पार्ट है वो आप मिस मत करना। तो फटाफट हम रोज़ के ऐसा छोटी सी प्रेयर करते हैं और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाला करे इस पूरी दुनिया में अमन शांति रहे, हर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहे, जो मेहनत बहुत करता है उसे कामयाबी मिले, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ ना आए, और ऊपर वाला ना करे, तकलीफ़ आती भी है तो वो रास्ता बताएं और तकलीफ़ चले जाए। आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, आप सबके घर पे खुशियाँ आए। वीडियो चालू करते हैं। और इन्होंने एक वाइट पार्टी रखी थी, मुनावर, आयशा, अर्पिता, आयुष, बहुत सारे लोग आए थे। तो अब लोगों का ये बोलना है कि आयशा वहाँ पर पहुँची, देखना वीडियो। आयशा बाहर पहले थोड़े सवाल जवाब पूछे गए अंदर घुसने के पहले, उसके बाद उसे अंदर एंट्री दी गई। लोगों का ये बोलना है अगर वो मुनावर के साथ रहती तो इजीली अंदर जा सकती। अब उस पार्टी में मुनावर और आयशा दोनों थे, तो जहाँ पर दोनों रह गए कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होने ही वाला है, और वो देखने के बाद पब्लिक का रिएक्शन भी आने वाला है। अब होता क्या है, पार्टी ख़त्म होती है। पार्टी ख़त्म होने के बाद आयशा पहले बाहर आ गई, आयशा यहाँ पर खड़ी है। अब मुनावर बाहर आया, मुनावर इस तरफ से जा रहा है, देखिए वीडियो। अब मैं ना सबसे पहले पब्लिक रिएक्शन देखते। हाय, इतनी खुशी, आयशा की यही औकात है, आज जो फेम मिला है मुनावर की वजह से मिला है, वरना आयशा को कौन जानता था। हो गई बेइज्जती आयशा बेगम, ये आयशा जलकर खाक हो गई, मुन्ना को और मुन्ना के फैंस को ऐसे देख, अभी पछता रही है उसके खिलाफ बोल के, इसको कोई मोह भी नहीं लगाएगा जहां मुन्ना होगा। मुनावर के सामने इसे कोई कैमरामैन भाव भी नहीं दे रहा, फेम डिगर लड़की, क्या हुआ, शक्ल भी देखने नहीं वाली थी ना, और कितना फेम लेगी मुनावर भाई से। चलो लास्ट छोटे छोटे चार कमेंट ले लेते हैं, आयशा को भी देख लो कोई, भाई मज़ा आ गया आयशा को इग्नोर होते देख, रिस्पेक्ट डेट कैमरामैन। अब पता चला फेम, देखा आपने मुनावर यहाँ से जा रहा था, यहाँ पर आयशा थी, अब मुनावर ने एक बार देख लिया कि आयशा है, मुनावर निकल गया, और वो रुकेगा क्यों ना यार, क्यों आयशा की तरफ जाएगा। घर पर जाकर उसने सबसे पहले देखा रहेगा ना कि आयशा ने उसके पीछे भी क्या क्या बोला था मुनावर के खिलाफ। देखो लाइफ में सक्सेस पाना बट अलग तरीके से नहीं, अपनी मेहनत से। सबसे पहले आप ये सुनील पाल का वीडियो देखिए। बिग बॉस ऐसा शो है, कचरा नाम कचरे का भी अपमान है, तो जेल में होनी चाहिए वो वहाँ होते। इसका पब्लिक रिएक्शन देखिए, सस्ते नशे मत किया कर डैश, साले खुद का क्रिमिनल रिकॉर्ड देख ले पहले, खुद के खिलाफ वाइफ ने डोमेस्टिक विजिलेंस का केस कर दिया था और अब ज्ञान डैश रहा है। इस पर तो डॉक्टर ने भी फिर कार्रवाई की थी कोविड के टाइम पर। इसको मारो रे बाबा, बहुत भूख रहा है। इसकी तो डैश मुनावर ने लॉकअप में फाड़ दी थी, ये वही है ना जो लॉकअप में गया था डैश। इसको पूनम पांडे हुआ है क्या, आज दारू नहीं मिली इसको, आज जली तो जली, बोलो किसकी बीप जली। तेरा बाप विनर हो गया इसलिए क्या, ये वही है जो मुनावर से जलता है, KRK 2.0 वर्जन, खुद कचरा है ये अंकल, बहुत बड़ा एल है, अरे चुप रे संडास। हकीकत तो ये है कि आज आपको कोई देखना नहीं चाहता, इसी का दर्द है। आपने पैरों पर मार ली भाई, जो काम मिलने वाला था अब वो भी गया। गुटखा खाने से भी तेरा दांत टूट सकता है। चलो भाई लास्ट कमेंट ले लेते,
सुनील पाल डैश लाल हो गई बकचोदी, अब ये बता तू है कौन। बिग बॉस जो ऑर्गेनाइज करता है पार्टी, आई थिंक कल है, तो अभिषेक को पूछा गया कि ये पार्टी के अंदर समर्थ ईशा सब हो गए तो क्या आप उनसे मिलोगे, बातें करोगे? सुनिए अभिषेक ने क्या कहा। हाँ जी, मैं हाय हेलो जरूर करूंगा और अच्छे से बात करूंगा। अब और एक चीज है जो अच्छी है, अभिषेक को जो फोबिया था क्लॉस्ट्रोफोबिया, वो लिफ्ट में भी नहीं जा सकता था, तो आज अभिषेक ने कदम लिया, टी सीरीज के ऑफिस में गया था, देखिए वीडियो। लिफ्ट से गया हूँ आज मैं, लिफ्ट से नहीं। मैम को मैंने बोला कि आज मैं ये करना चाहता हूँ। यार उसकी फ्रेंड से बात कर रही थी और मीडिया वाले वहाँ पर पहुँचे, छोटा सी वीडियो देखा आपको, दूर से ही देख लिया। औरी के हम जो कवर देखते हैं अलग अलग रहते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैं बीच में आ गया। आप सबको थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरी पिछले वाली वीडियोस पर लाइक किया, कमेंट किया, जो आज की वीडियो पर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और अगर आप लाइक और कमेंट नहीं भी करते हो, आप चैनल पर आए, आपने वीडियो देखी, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तहलका ने बोला भाई मैं एकदम अलग ही कवर लेकर आऊँगा, देखिए ये वीडियो देखिए। पहचाना? नहीं पहचाना, पहचान लिया तो ठीक है, तो आप पुराना पिक भी देख लेना। हमारा अगर वेट ज़्यादा रहता है तो हम खुद बीमारी को इनविटेशन देते हैं, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, बहुत सारी चीज़ होती है। मैं रोज़ मेरे वीडियो के एंड में बोलता हूँ, पूरे दिन में ट्राई करो 6 से 8 ग्लास पानी पीने की, थोड़ा टाइम निकाल कर छोटी मोटी एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग कर लो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये बिजी लाइफ में हर कोई पैसे कमाने के पीछे है, बट ऊपर वाला ना करे। अगर हेल्थ ऊपर नीचे होती है और बहुत सारा पैसा है कुछ काम का, जितनी प्रायोरिटी हम पैसे कमाने को देते हैं ना, उतनी प्रायोरिटी या उससे ज़्यादा प्रायोरिटी हमको हेल्थ को देना है। दिन में थोड़ा सी भी टाइम निकाल कर छोटी मोटी एक्सरसाइज, जॉगिंग कर लो, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये शायद अभी की जनरेशन तो ये एक्ट्रेस को नहीं पहचान पाएगी, बट फिर भी आप देखिए क्या आप पहचान सकते हैं इस एक्ट्रेस को। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये एक्ट्रेस कौन है, ये इनकी मूवीज़ के पिक। ये एक्ट्रेस है मीनाक्षी शेषाद्री, ये अपने टाइम में सुपरस्टार एक्ट्रेस थी। आपको मैं एक छोटा सी वीडियो बताऊंगा शाहरुख खान का। शाहरुख खान का है ना एक उनके फ्रेंड के साथ जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो गए, झगड़ा हो जाता है, उन्होंने एक मूवी बनाई है, शाहरुख खान ने एक मूवी बनाई है, तो ये इनको फ़ोन करते हैं शाहरुख खान को और कहते हैं कि तू यार मेरी जो मूवी रहेगी ना उस वक्त तेरी मूवी रिलीज़ नहीं करेगा। शाहरुख खान कहते हैं आप डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो, नहीं करूँगा यार उसमें क्या हो गया। तो ये बोलते हैं कि नहीं तेरा और मेरा झगड़ा हो गया था, तू मुझे हेट करता होगा। आप पहले वीडियो देखिए। Getting so disturbed. झगड़ा हो गया ना अपना, हेट कर रहा है। पर मैं सोचता ही नहीं हूँ। सोचता ही नहीं हूँ सर। अब इसका पूरा सेंटेंस ये था, शाहरुख खान इनको बोलता है कि सर ना मैं आपके बारे में अच्छा सोचता हूँ, ना मैं आपके बारे में बुरा सोचता हूँ, मैं आपके बारे में कुछ सोचता ही नहीं हूँ। तो ये आप दिल में मत रखना कि आपकी डेट जब रिलीज़ की होगी तब मैं जानकर उस डेट पर मूवी रिलीज़ करूँ ताकि आपको नुकसान होगा। नहीं, हमारा झगड़ा हुआ, हम बात नहीं करते, बस वहाँ पर मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, बात ख़त्म। दो भाई थे, एक भाई पार्टी में जाता है, वो बॉम्बे में रहता है, दिल्ली जाता है, उसका एक के साथ झगड़ा होता है। अब वो बॉम्बे आता है तो वो अपसेट दिखता है, उसका भाई उसको पूछता है क्या हुआ, तो बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं। वो सुबह में ऑफिस जाता है, वही सोचते रहता है झगड़े के बारे में, बस मिस होती है। काम पर रहता है, काम पर मिस्टेक होती है कंप्यूटर में। रात को घर पर आता है तो उसे बराबर भूख नहीं लगी होती है। उसका भाई उसको पूछता है, बड़ा भाई, कि भाई क्या हो गया है, तेरा फेस क्यों इतना लटका हुआ है कल से। तो छोटा भाई बोलता है यार मैं दिल्ली गया था, मेरा एक के साथ झगड़ा हो गया, मेरे दिमाग में सुबह से यही चल रहा है, तो मुझे यही तकलीफ़ हो गई। उसका बड़ा भाई बोलता है वो तो अपनी दुनिया में मस्त होगा, तेरे साथ क्या हो रहा है, तो तुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ, बस मिस हो गई, जॉब में प्रॉब्लम हुई, घर पर भूख नहीं लग रही है। अरे भाड़ में गया ना, झगड़ा हुआ थोड़ा सोच फिर दिमाग में से निकाल दे, जब भी सॉर्ट आउट होना होगा सॉर्ट आउट होगा, नहीं होना होगा तो वो उसकी दुनिया में तो तेरी दुनिया में, अभी तो ये सब सोचते रहेगा तो देख तेरे और काम बिगड़ रहे। छोटा भाई समझ जाता है। अब मनोज वाजपेयी और कार्तिक आर्यन का एक छोटा सी वीडियो देखिए। कीप नॉकिंग द डोर हार्ड हार्डर टिल द डोर ओपन। अब इस पर भी है ना मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक राजा रहता है, उसके पास है ना एक बॉक्स रहता है जिसके अंदर राजा का कीमती सामान होता है, उसका लॉक है ना खुलता नहीं है, तो वो लोग है ना एक कारपेंटर को बुलाते हैं।
कारपेंटर कहता है ये खुलेगा नहीं, इसे तोड़ना पड़ेगा। राजा बोलता है ठीक है तोड़ दो। कारपेंटर बोलता है मुझे तो ये घर लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ पर तो नहीं टूटेगा। राजा बोलता है ठीक है। अब वो घर लेकर जाता है, घर लेकर जाके लॉक को तोड़ने की ट्राई करता है, लॉक टूटता नहीं है। अलग अलग सामान लेकर आता है, तोड़ने की ट्राई करता है, लॉक टूटता नहीं है। उसके बाद वो बोलता है शायद ये टूटेगा नहीं, चल मैं राजा को रिटर्न दे देता हूँ, वापस देने जाता है। अब रास्ते में सोचता है कि यार एक बार फिर से ट्राई करता हूँ, फिर से ट्राई करता है, नहीं खुलता है। राजा का जो महल रहता है उसका गेट आ जाता है, सोचता है कि यार गेट आ गया, एक बार फिर से ट्राई करूँ, फिर से ट्राई करता है, लॉक नहीं खुलता है। अंदर आता है, राजा को बोलता है ये आपका लॉक पता नहीं क्या है पर खुल रहा नहीं है। राजा बोलता है कोई बात नहीं। अब वो बॉक्स रखता है, जाने वाला रहता है, जाते जाते मुड़ता है और राजा को कहता है एक लास्ट बार ट्राई कर लूँ क्या। राजा बोलता है ठीक है। अब आता है और ठक करके ऐसे मारता है, लॉक खुल जाता है। कितना ट्राई किया, कितना ट्राई किया, हिम्मत नहीं हारा, एंड में खुल गया। वो है ना, वो आपकी मेहनत देखता है, वो आपको देखता है। थोड़ा देर से होगा, थोड़ा देर से होगा, बट हर कोई जो सच्चे दिल से मेहनत करता है ना उसे कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।